नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। जिले के अतर्रा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दढ़वा मानपुर के आंगनवाड़ी केंद्र बजरंगपुर में चंद्र किशोर कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि शक्ति समूह की महिलाओं के द्वारा पुष्टाहार वितरण करने का कार्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया था, जो समूह की अध्यक्ष मीरा देवी व सचिव रेखा देवी है, जो साथ में बंटवाने का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सरोज देवी इन सभी के द्वारा होता है। और बताया गया कि अभी कुछ माह पहले शासन द्वारा निर्धारित गेहूं, चावल, दाल, घी, दूध की सही मात्रा 6 से 3 वर्ष के बच्चों को 1.5 किलोग्राम गेहूं, 400 ग्राम दूध, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 75 ग्राम देसी घी, 4.5 ग्राम दूध दिया जाता है। अति कुपोषित बच्चों के लिए 2.5 किलो गेहूं, 5 किलो दाल, 900 ग्राम घी, 1.5 किलो चावल, 7.5 किलोग्राम दूध दिया जाएगा, जो कि इनके यहाँ 64 लोग पात्र हैं, जिनमें कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग नहीं। इनका कहना है कि शासन के आदेशानुसार नहीं बांटा जा रहा है और जब से आदेश हुआ तब से एक बार ही बांटा गया है। और समूह के लोगों का कहना है कि शासन द्वारा हमें पूरा राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता। जांच करती रामरती मुख्य सेविका नरैनी की उपस्थिति में शक्ति महिलाओं व आंगनवाड़ी के द्वारा अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि जो लोग राशन नहीं पाए उनको अगली बार हम पूरा करेंगे। ये थी रामबाबू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समस्या यह है कि जो पोषाहार वितरण का कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहा था जी, आज 2-3 महीना लगातार जी, जिसमें से जो पहला वितरण हुआ हमारे बजरंगपुर आंगनवाड़ी केंद्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ये वितरण किया गया जी, लेकिन उसकी देख रेख में आंगनवाड़ी केंद्र की जो संचारिका है वो लगाई गई, जो आंगनवाड़ी केंद्र की मालकिन है, और उनको ये कहा गया, शासनादेश जारी हुआ सरकार का कि आंगनवाड़ी जब तक उसमें साइन ना करे जब तक सभी को गल्ला वितरण ना कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मनमानी करते हुए ना आंगनवाड़ी ना बांटने वाले सभी ने मनमानी किया, और मुझे अंदाजा तो ये है कि सारे जनपद में ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब आप यहाँ छोटे मजरे में ऐसा हो रहा है तो पूरे जनपद में हमारे ऐसा हुआ होगा। और इस बात को मैंने मौखिक तौर पर SDM साहब महोदय, SDM अतर्रा महोदय जी को मैंने अवगत भी कराया था, सर यहाँ गल्ला वितरण का जो कार्य चल रहा है उसमें घटतौली भी हो रही है और सही से गल्ला बांटा भी नहीं जा रहा है, और जो गल्ला बट भी रहा है पूरा दिया नहीं जा रहा है, अगर 2.5 किलो गल्ला उसको मिलना है तो 2 किलो ही मिल रहा है, घटतौली का शिकार भी हुई जनता यहाँ की, जो ग्रामीणों के साथ जो गरीब लोग हैं, अत्यंत गरीब हैं, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, और बाद में ये पल्ला झाड़ दिया गया कि गल्ला कम आया है और वहीं से बंद भी कर दिया गया, जब घरतौली की बात आ गई तो गल्ला बांटना बंद कर दिया गया, तब से गल्ला बंद रहा, गल्ला इसके बाद कुछ लोगों को मिला कुछ को नहीं मिला। जब आपने DM से शिकायत किया SDM तो, जी तो वहां से कोई टीम जांच के लिए आई? कोई टीम नहीं आई, मैंने एप्लीकेशन भी दिया SDM साहब को, मौखिक अवगत भी कराया, फोन भी किया था जी, अवगत भी कराया था, उन्होंने कहा था कि आप एप्लीकेशन दीजिए हम सुचारू रूप से जांच करवाएंगे, उसमें कोई कसौटी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए शिकायत किए? शिकायत लगभग 1 महीना हो गए और ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन जब SDM साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो मैंने ऑनलाइन शिकायत की मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उसमें संज्ञान ना आया, फिर इसके बाद मैंने 1076 में शिकायत की, जिसमें से उसमें जो जाँच आई और जो जाँच में जो आख्या लगाई गई वो सरेआम गलत लगाई गई, और जो जाँच करता है उसको सरेआम दोषी मानते हैं ताकि आवाज ना उठा सके वो अपनी, जनता की आवाज उठाने वाला गलत है, और जो जनता का और गरीबों का शोषण करें और जो खा रहा है वो गलत नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इसकी सही तरीके से जांच हो, और मुझे भरोसा है माननीय जिलाधिकारी बांदा पर कि अगर जांच सही से होगी तो जो भी इस दायरे में आएंगे, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, छूटेंगे नहीं, मुझे भरोसा है।